सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। दीपक ठाकुर और सोमी खान की अब तक एक प्यारी सी लव स्टोरी चल रही थी, लेकिन लव स्टोरीज में कभी कभार लड़ाई झगड़े भी हो ही जाते हैं और ऐसे ही दीपक और सोमी के बीच में झगड़ा हो गया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि सारे घरवाले बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं तो उस दौरान रोहित कहते हैं कि यहाँ पर हर रोज मिठाई वगैरह बनती रहती है, अब हलवा बन रहा है और ऐसे ही कुछ न कुछ बनता ही रहता है। तो यहाँ पर दीपक ठाकुर कहते हैं यहाँ पर मिठाई के अलावा लोगों का पोपट भी बनता है। तो सोमी खान को लगता है कि दीपक ठाकुर ने ये उनके बारे में कहा। इस बात से सोमी को बहुत इरिटेशन होती है और वो क्लियरली दीपक से कह देते हैं कि अगर किसी ने मेरे बारे में ऐसा कुछ कहा है तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगी। और इस बात से उन दोनों के बीच में एक आर्गुमेंट हो जाती है। सुरभि और दीपक जब बातचीत कर रहे होते हैं तो उस दौरान वहाँ सोमी खान आकर दीपक से बात करती हैं कि दीपक कौन आपका पोपट बना रहा है। तो दीपक कहते हैं कि वो मेरे बारे में था, वो मेरी और रोहित की बात थी। तो सोमी खान कहती हैं, देखो दीपक जो भी हो पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा बिहेवियर इतना चेंज हो गया है जिससे मुझे ऐसा लगता है कि तुमने जो कुछ भी कहा वो मेरे बारे में था। बेशक वो मेरे बारे में नहीं था बट बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर मुझे ऐसा लगा। तो जो भी हो मैं क्लियर कर देती हूँ कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ एज अ फ्रेंड एज अ ह्यूमन बीइंग, इससे आगे कुछ भी नहीं। दीपक सोमी से कहते हैं मैं नहीं समझा ये बात, ये मेरी गलती है एंड सॉरी फॉर दैट। और इस कदर उनका झगड़ा शांत हो जाता है, लेकिन सोमी खान का गुस्सा शांत नहीं होता है। बिग बॉस 12 से जुड़ी ऐसी ही कॉन्ट्रोवर्सीज, लड़ाई झगड़े, हंसी मजाक, मौज मस्ती और बिग बॉस हाउस से जुड़ी और भी कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।